लगता है कि भाई ये 155 सेगमेंट में 40-45 के मतलब आसपास माइलेज दे रहा है, तो भाई ये बहुत बेहतर है। इस बाइक का राइडिंग पोजीशन भाई थोड़ा सा है डिफरेंस, थोड़ा अग्रेसिव भी है, तो भाई बिल्कुल तैयार हो जाना कमर तोड़वाने के लिए अगर ये बाइक ले रहे हो तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड वन मोर थिंग गाइस, बी ए मैन। सो टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि आज की टॉपिक किस पे है, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रो जैसा हम बना देंगे। अभी ये रही अपनी R15 और ये रहा मेरा दोस्त, ये अभी होस्ट करेगा और मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे खड़ा है R15 और ये इसका ओनर है, और अभी इसे जानते हैं कि इसके बारे में इसका क्या क्या रिव्यू है और क्या क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो बाइक है ये फर्स्ट चॉइस था या फिर कैसा क्या था? बेसिकली बोलूँ तो ये R15 जो है ना, ये मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था। पहला मेरा था सुजुकी जिक्सर SF150। मैंने सोचा था पहले वही खरीदूंगा, बट कहते हैं ना उसको धीरे धीरे जैसे जैसे बाइक लॉन्च होते गई ना तो और इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो उसके बाद मेरा ध्यान आया NS160 पे, फिर 2-3 महीने और रुका, सोचा कि और कोई लॉन्च हो जाए। तो लास्ट में मेरे को मालूम पड़ा कि ये R15 वर्जन 4 इसका नया वर्जन लॉन्च हुआ है। तो मेरा कहता था कि देख हम लॉन्डे हैं, हमें चाहिए फुल ब्लैक, तो इसका शाइन ब्लैक तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो मॉन्स्टर एडिशन में, और उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। और इसमें जो ब्लैक वर्जन आता है वो है मैट ब्लैक का, तो वो मैट ब्लैक थोड़ा सा कहीं मेरे को उतना कम्फर्टेबल और अच्छा फील नहीं कराता था। तो लास्ट में घूम फिर के यही रेड ब्यूटी उठा के लाया, एंड बस यही है जो है। सो अभी इसका प्राइसिंग बताओ। देखो मेरे को ये ऑन रोड ना 2,20,000 में पड़ा था, बट मैंने ऐसा कैसा ना कि EMI पे लिया है, तो मेरे को टोटल एंड ओवरऑल ना उसका मेरे को 2,80,000 पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा ही लगा भाई, क्योंकि मैंने EMI पे करवाया है, तो वो भी 3 साल का। मतलब आपके हिसाब से आपको जैसा करवाना करवा सकते हो। मैंने अराउंड 60K डाउन पेमेंट दिया था एंड बाकी EMI पे कराया था, तो मेरे को पूरा टोटल इसका ओवरऑल लेके 2,80,000 पड़ गया था। तो मेरे को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, EMI पे लोगे तो भाई ज़्यादा पड़ेगा। एंड आपके पास पैसे है तो सीधा जाओ, हैंड टू हैंड कैश दो और बाइक लेके आओ, तो आपको नॉर्मल 2-20 में आराम से मिल जाएगा। तो और इसका माइलेज बताओ कैसा है? कैसा है ना कि मैंने इसके अभी तक 2 सर्विसिंग करा चुका हूँ, एंड ये मेरे को नॉर्मल 1 लीटर में 40-45 के आसपास, तकरीबन आसपास मेरे को ये माइलेज दे देता है। तो मैं इससे भाई अच्छा है, मेरे को लगता है कि भाई ये 155 सेगमेंट में 40-45 के मतलब आसपास माइलेज दे रहा है, तो भाई ये बहुत बेहतर है। सही है भाई, अच्छा माइलेज देता है ये बाइक। तो अगर आपको लेना है ना तो आप बिंदास ले सकते हो, क्योंकि ये बाइक भाई बहुत अच्छी माइलेज देता है, वो भी 1 लीटर में। और क्या चाहिए, बस बिल्कुल स्प्लेंडर जैसा आसपास ही है उसके। बस जो सबसे मेन इसका टॉपिक है वो है इसका राइडिंग पोस्चर और बिल्ड क्वालिटी, वो दोनों कैसा है इसका? हाँ देखो, ये बहुत सारे लड़कों का ही सवाल है कि भाई इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है। तो भाई तुम देखो नॉर्मल बैठे हो और मैं झुक के बैठा हूँ, तो ऑब्वियसली भाई ये कमर ना बिल्कुल टूट जाती है अगर आप एक लंबा राइड ले रहे हो अराउंड 100-200 किलो। जो भी है भाई, अगर आप लंबा चला रहे हो भाई ना, तो ये कमर तोड़ देती है भाई, सच में भाई ये मैंने भी फील करा है, कमर तो तोड़ती है भाई इस बाइक। तो इस बाइक का राइडिंग पोजीशन भाई थोड़ा सा है डिफरेंस, थोड़ा अग्रेसिव भी है, तो भाई बिल्कुल तैयार हो जाना कमर तोड़वाने के लिए अगर ये बाइक ले रहे हो तो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। भाई इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी उतनी खास नहीं है, एज अ ऑनर मेरे को थोड़ा सा है थोड़ा सा इस बाइक का, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा फ्रेम है, अगर ये एक बार पटकाया ना तो इसका जान रहे हो भाई की होगा हाल। इधर भी भाई दोनों साइड सेम ही हाल है, इस फाइबर में ज़रा भी जान नहीं है। बाकी ये सब तो ठीक है, अगर ये पटकाता है तो थोड़े बहुत स्क्रैचेस आएंगे, मगर ये पार्ट और ये पार्ट अगर ये टूट गया ना, मतलब गिर गया ना, तो भाई ये पक्का एक बार में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप भाई एक नए राइडर हो तो मेरा सजेशन ये है भाई कि स्प्लेंडर ले लो, सीख लो, उसके बाद इस बाइक पर आना, वरना भाई तुम्हारे जेब में पैसे होने चाहिए। अगर पटकोगे तो पूरा का पूरा ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा, और भाई मैंने भी आज तक देखा नहीं इस पार्ट के कितने पैसे होते हैं, तो भाई मैंने आज तक पटका ही नहीं है। मैं थोड़ा हूँ मैं भाई, मैं पहले स्प्लेंडर ही चलाता था,
फिर जब 2-3 साल हो गए उसके बाद में इस पे आया हूँ। तो ऐसा ही है भाई, एक्सपीरियंस ले लेना उसके बाद आना R15 पे। एंड भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड वन मोर थिंग बॉस, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।